Mr. Ankush Yadav from Haryanvi Hunters and Mr. Suyash Rai from Mumbai. अरे मैम फ्रंट से हट जाओ थोड़ा. सो बेसिकली इसमें छह टीमें हैं, छह फ्रेंचाइजीज हैं. एक लखनऊ लायंस है, एक दिल्ली डायनेमिक्स है हमारी, एक मुंबई डिस्रप्टर्स है, हरियाणवी हंटर्स है, बैंगलोर ब्लास्टर्स है और एक पंजाब बीट्स है. ये छह फ्रेंचाइजीज हैं, अलग अलग शहरों के नाम पे या स्टेट्स के नाम पे फ्रेंचाइजीज है और सब में हमारे छह बड़े सितारे हैं और उनके अंदर और भी ढेर सारे सितारे हैं. तो ठीक है, जिस दिन ट्रॉफी लॉन्च हो रही थी हमने देखा चाहिए आप जैसे काफी जोश में थे. जानना चाहेंगे स्पीच में कहें कि आपकी कितनी तैयारी रही, कितनी रिहर्सल रही और कितना चैलेंज मतलब आपको लग रहा है कि इस मैच में होने जा रहा है और कौन सी टीम के साथ आपका मुकाबला बेहतर है. सर पिछली बारी आप लोगों को बताया था मैंने कि हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज की कि अपनी स्किल्स को थोड़ा कम करें कि बाकी लोगों के बराबर आ जाएं. तो अभी उसी पे काम चल रहा है. एक के हाथ में कुछ कर दिया मैंने ताकि बॉल ना फेंक पाए, अपने भी पीछे कमर में दर्द कर लिया ताकि सभी लोगों के बराबर पेस पे आ जाएं. और भी कर रहे हैं धीरे धीरे. बाकी मेरी टीम का ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मतलब हम ये नहीं सोच रहे कि ये वाली टीम स्ट्रॉन्ग है ये वाली कमजोर है, सारी बराबर है और वही जीतेगा जिसकी स्किल्स ग्राउंड पे दिखेंगे. मुकाबला किसके साथ आपको लग रहा है कि आपका बेहतर है? हमारी छह बंदों की टीम आधी बढ़ जाएगी उससे ज्यादा हो जाएगा. रोहन शर्मा रफ्तार. मेरा पहला सवाल है सुयश. सुयश आपको हमने बॉक्स क्रिकेट टीम में भी देखा है कि आप बहुत अच्छा एक क्रिकेट खेलते हैं, आपकी टीम जीती भी थी. तो वो वाला जो बॉक्स क्रिकेट लीग था लाइक एक इंडोर सेटअप था वो भी और ये भी एक इंडोर सेटअप, तो कितना डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे दोनों को? और दूसरा सवाल मेरा एलविश है, पहली बार कंप्लीट कर देता हूँ कि एलविश आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी शो में जाते हैं वहाँ एलविश आर्मी सिस्टम हैंग कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या सिस्टम हैंग की प्लानिंग की जाती है? देखो यहाँ पे वोटिंग का सिस्टम तो है नहीं भाई, एलविश आर्मी सिस्टम हैंग करते हैं, बट जैसे जो लोग आते हैं देखने आपको और वो चीयर करते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से. तो एलविश आर्मी ऐसे सिस्टम हैंग करेगी, बहुत सारे लोग आएंगे मैच देखने और चीयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और क्या पता दूसरी टीम को, वैसे तो कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ गलत ना कह दे कभी मैं ये भी बोलूँ, तो वही अपना मनोबल बढ़ाने के लिए एलविश आर्मी ऐसे सिस्टम हैंग करेगी.
रोहन बॉक्स क्रिकेट लीग जब हमने खेली थी ना उसको एक तो पहले बहुत सारे साल हो गए मतलब एटलीस्ट ऑलमोस्ट 6 साल हो गए प्लस द मेजर डिफरेंस इज द बॉल वो 25 से 26 ग्राम की स्माइली वाली जो बॉल होती थी इससे खेलते थे एंड उस बॉल का रिस्पॉन्स इन एन इंडोर एनवायरमेंट इज वेरी डिफरेंट ये टेनिस बॉल है एंड इट्स अ प्रॉपर टेनिस लाइक अ 70-75 ग्राम इज बॉल तो यहाँ पे क्रिकेट खेलना पड़ेगा वहाँ पे लड़कियाँ भी खेलती थी सब कुछ अलग होता था तो दिस इज प्रॉपर क्रिकेट यहाँ पे क्रिकेट खेल के ही आप जीत सकते हो देयर इज नो अदर वे आउट मतलब कि आप कोई स्ट्रेटजी काम नहीं है जो बेटर क्रिकेट खेलेगा ग्राउंड में वो लेके जाएगा एंड आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीवन इज हियर फॉर सर आप क्या कहना चाहते हो कि लड़कियां भी तो लड़कियां सीरियस नहीं खेलती उस बॉल को हल्का इसलिए बनाया गया था ताकि लड़कियों को लगे ना तो ये मेरे हाय अंकित फ्रॉम यूएसए मेरा सवाल सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया करना चाहते हैं कि इस तरह का पहली बार कुछ इंडिया में हो रहा है और हम सभी एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए और सवाल मेरा ये जितने भी कैप्टन है जो टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बैठे हैं पैनल पे कि हर एक टीम का एक यूएसपी होता है एक खासियत होती है तो एक एक करके उसकी क्वालिटी अगर आप यूएसपी बताना चाहते हो जो बैठे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी टीम की एक खासियत है क्या स्पेशल करके लिए तैयारी है यार टीम में भाई पूरी टीम ही खास है भाई हमारी ना मतलब 11 बंदे हैं टीम में और ये खास बात देखो मैं क्रिकेट के पीओवी से बताता हूँ तो सारे बैटिंग करते हैं मतलब ऐसे होता है ना टीम में कि कुछ बॉलिंग करते हैं कुछ बैटिंग करते हैं कुछ 2-3 ऑलराउंडर्स होते हैं हमारे सारे ऑलराउंडर हैं और हमारी साइड रजत भाई भी हैं तो वो काफी उसको आगे खड़ा करेंगे सबसे ताकि वो सामने वाले पे थोड़ा प्रेशर बना के रहेगी बोल बोल के तो वो हमारी साइड में थोड़ा ज्यादा रहेगा मतलब स्लेजिंग हो गई प्यार से एब्यूजिव नहीं प्यार से स्लेजिंग होगी और थोड़े बहुत मजे लेंगे सबके तो कुछ तो फर्क डालेगी ये खास बात है मेरी टीम की भाई भाई मुझे ये लगता है कि अजीब तरह प्यार तो है मेरा तो मिस्टर मंदिर है बिल्कुल बिल्कुल भाजी सर सर क्रिकेट क्रिकेट से टीम गेम जब तक वो टीम बन के नहीं खेलेगी वो नहीं हो सकता तो मुझे लगता है मेरी टीम डेफिनेटली एक टीम बॉन्ड बहुत जरूरी है एंड हम लोग ने साथ सबने एक साथ एवरीवन यू नो सबने साथ में प्रैक्टिस की है बट आई थिंक वी एज ए टीम टुगेदर वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग हर प्लेयर ऑफकोर्स अच्छा खेल रहा है यू नो सबने क्रिकेट खेली है बट आई थिंक एज ए टीम आई फील वी आर स्ट्रॉन्ग सुरेश हाय हिमांशु दिस साइड तो सुरेश आपने जैसे बताया कि आपकी टीम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है लेकिन कहीं ना कहीं मुनावर क्रिकेट को छोड़कर कहीं ना कहीं शूटिंग में इतने बिजी है कभी हैदराबाद कभी मुंबई अभी भी एयरपोर्ट पे लिखे थे पता नहीं कहाँ गए हैं तो वो प्रैक्टिस उनकी चल पा रही है या फिर हम एक्चुअल में मैच देख पाएंगे उनका अच्छा क्योंकि प्रैक्टिस तो मैंने उनकी अभी देखी नहीं कहीं ऑलराउंड चल रही है मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जिंदगी में सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है इस टाइम भाई टचवुड बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड उसकी बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए वो शूट के लिए बार बार जा रहा था सो अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी बट मुन्ना ने स्पेशली मुझे कॉल करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि सुरेश भाई आपकी जिम्मेदारी है इस टीम को टीम बनाना एंड आई थिंक दैट आई हैव डन दैट एंड प्लस उसकी उसका मैच में यहाँ रहने की और खेलने की गारंटी ऑफकोर्स मुन्ना है तो ये टीम बनी है तो मुन्ना तो रहे हैं ऑफकोर्स खेलेगा नहीं आई एम श्योर यू नो ही विल डू हिज फिट सर हाय मेरा नाम अंश है और मेरा क्वेश्चन है वैसे भाई हमारी प्लानिंग थोड़ी अलग है हमने क्या करा है कि जो जो बैट्समैन है ना दूसरी टीम के उनकी सबकी एक्स गर्लफ्रेंडों के नाम निकाल लिए तो उनका नाम ले लेके स्लेच करेंगे हम तो आगे खड़े होके किसी को कुछ कह दिया किसी को कुछ कह दिया कोई इमोशनल कर दिया तो क्या पता उससे फर्क पड़ जाए और दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बैट लेकर के घर चला जाएगा जिसे बैटिंग नहीं मिलेगी आपकी टीम हमारी टीम में भाई 9 बंदों को नहीं मिलेगी 9 बंदों को नहीं मिलेगी एक ही बहुत है हाय गाइस इन फ्रंट एलविश आपसे ही सवाल है मेरा नाम यतिन है और मैं एचएम डिजिटल रिव्यू से हूं एलविश आपको कॉम्पीट करते हुए देखा बिग बॉस वाली टीम में अभिषेक मल्हान के साथ और अब मैच में भी आपके कॉम्पिटिटर है वो तो अभिषेक मल्हान को आप क्या कहना चाहेंगे आपने अभी इस ट्रॉफी लॉन्च में भी कहा था कि मतलब इस बार बस ये सेकंड आए तो क्या कहना चाहोगे आपको कॉम्पिटिटर देखते हैं आप उन्हें टफ कॉम्पिटिटर क्या नहीं नहीं देखो आपने बिग बॉस का नाम लिया बिग बॉस को एक साल हो गया उसके बाद प्लेग्राउंड में भी आ रहा हूँ
वो भी काउंट करते क्रिकेट में देखो उसने कई बार बोली कि यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी वोटिंग नहीं होगी, उसे नहीं पता वोटिंग में, तो चलो अलग सीन है। बट क्रिकेट में मैंने उसकी उसी के साथ खेला हुआ हूँ तो सही है, उसको अच्छा था उसको खेलना। देखेंगे अभी कि अभी तो उसके बेचारे के कुछ हो गया, फिजियोथेरेपी चलती है, तो मैं दुआ करूँगा भगवान से कि रिकवर जल्दी हो ताकि उसको फेस करूँ, क्योंकि हमारे तो आउट नहीं होने वाले ना, और 7-8 ओवर बैठने वाला मेरे हिसाब से, तो उसको देखेंगे फिर उस हिसाब से। एलुश लेकिन कल ही मैच है तो रिकवरी जल्दी हो पाएगी? भाई हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिली तो भाई देखो अगला मैच कभी तो आया सामने। हेलो एलविश, अर्पित दुबे फ्रॉम डीएनए। मेरा ये सवाल है कि फाइनल में आप किसको देखना चाहेंगे, एक जो बिग बॉस होगी कि आप जीते थे और बिग बॉस फिर हो रहे हैं, या फिर फुकरा हो जिन्होंने आपके साथ रनर अप रहे थे और ट्रॉफी बाद में दी थी, तो इस बार भी कुछ ऐसे करा था? भाई सच बताओ ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने कि किसको फाइनल में, देखो मेरे पास ये है कि एक हम हो एक कोई अच्छी सी टीम हो जिसमें बहुत अच्छा खेला हो, ऑब्वियस सी बात है जो अच्छा खेलेगा वही फाइनल में आएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा भाई, बिग बॉस दिमाग नहीं चलता। अनुराग से मैं तो सवाल है कि फैंटेसी एक्सपर्ट आप हैं, तो अगर फैंटेसी अगर आपको पॉइंट्स देने होते या कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना होता दूसरी टीम में तो किसको लेते आप? अभी तो जैसे मैंने अभी शो खेलते हुए देखा है तो मुझे पता है बॉलिंग तो करने वाला है रुकी भट्टा खेलता है, और अच्छी बात ये है क्योंकि ये विजयनगढ़ पे आ गया है तो लखनऊ के मैचेस छोड़ के बाकी मैचेस मैं फैंटेसी में कवर करूंगा ताकि मैं और ज्यादा फोकस कर पाऊँ बाकी टीम के ऊपर मैं काम कर पाऊँ। तो लखनऊ की कितनी बादशाह रहने वाली है? भाई देखो मेहनत तो सबने करी है, बहुत मेहनत करी है लोगों को ढूंढने में, उनको से सेग्रीट करने में, और सबने प्रैक्टिस करी है तो कोशिश तो करेंगे अच्छा खेले और अच्छे ही खेलेंगे। अब हमारे लिए मैटर को करता है रिजल्ट मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर ही करता है कि कौन अपना बेस्ट दे रहा है, तो अगर ऑन फील्ड अगर 11 के 11 लोग अपना बेस्ट देंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और हम अगर कहीं पर हैं तो फिर मामला कमजोर तो नहीं हो सकता, ये बात मैं गारंटी दे रहा हूँ। भाई मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं सचिन सर के साथ खेल पाया, और भी बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी थे वहाँ पे, मतलब सबका नाम तो क्या ही होगा, बट मैं बहुत ग्रेटफुल था, और देखो वहाँ का एक्सपीरियंस तो क्या ही था ठीक है, तो मतलब काम नहीं आया क्योंकि मैंने ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी वहाँ पे, या फिर वो हम सिर्फ अच्छे से खेल रहे थे, फ्रेंडली मैच था और चैरिटी मैच था, तो उसके अलावा भी मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी है बड़े बड़े ग्राउंड में या फिर टर्फ पे, तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा काम आएगी मेरे हिसाब से। अनंत से भी मेरा एक सवाल है, अनंत दिल्ली की कैसी खासियत है, दिल्ली किस तरीके से तैयारी कर रही है इसकी? भाई मैंने वैसे सुना है कल कि आपने मारा बहुत अच्छा अनुराग भाई को, तो इसलिए वो आपकी मैच में मारा था, मैच में बहुत अच्छा मार रहे हैं ऐसा आपने सुनने में आया, सो एक्साइटेड है भाई के साथ खेलने की, हमारी सबसे मेन स्पेशलिटी है भाई कि हम लोग दिल से खेलते हैं और तमिल से हराएंगे सबको, यूनिटी बहुत अच्छी है टीम की, और मोर देन हमारी टीम में मेजोरली सारे के सारे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, एजुकेटर्स काफी सारे हैं, और वो लोग भी मेहनत करके क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इट इज वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी एक्साइटिंग टू सी कि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा कैप्टन सोनू शर्मा की क्या तैयारी? भैया वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है, मतलब वो शर्मा की तरह बैटिंग करते हैं। हाँ जी रोहित, वो भी शर्मा है, रोहित भी शर्मा है, उनकी तरह सिमिलैरिटी है। बस मैं कहना नहीं चाहता, आपने कह दिया सर, कह दिया, बहुत अच्छा खेलते हो, जेन्युइनली बहुत अच्छा खेलते हैं, और रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं विच इज वेरी गुड। आज हम सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए वो मंदिर में गए हुए, उसकी वजह से वो लेट हो गए, उनकी इस देव पे गए हुए वहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पे आज दिल्ली में नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर टीम बहुत अच्छा खेलने वाली है। मैं सोनू सर यार डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए भाई प्लीज, मेरे को बहुत बुरा लग जाएगा भाई, आपको जरूरत तो पक्का आना हमारे पास, मैं सोनू सर के अटेंड करूंगा भाई डिलीवरी से लेक्चर बट हराने के बाद। हाय इस साइड ऑर्गेनाइजर से मेरा सवाल है कि उनसे बड़े कम लोग पूछते हैं, उन्हीं ने पैसा लगाया, तो सबसे पहले ये सवाल है ऑर्गेनाइजर से कि
कैसे आपको ये आइडिया है कि इस तरह की लीग होनी चाहिए भारतीय इंडिया में, क्योंकि हमने देखा आपने हर एक जॉनर को अटैक से भी लोग हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी हैं, तो हेल्थ से भी हैं, तो सभी को आपने कवर किया, तो कैसे आइडिया है कि 100 में से कम से 6 कप्तान बनाए जाए और ऐसी लीग भारत में पहली बार पकड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इंडिया में देयर आर टू रिलीजंस, स्पोर्ट्स एंड सिनेमा। स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट, और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, पुराने जमाने जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता था, आज की वही पोजीशन है, तो कर्फ्यू लग जाता था इसमें। सो देयर इज नथिंग बिगर देन क्रिकेट इन दिस कंट्री, एंड वी हैव सीन सेलिब्रिटीज प्लेइंग दैट गेम, सीन क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, एवरीबॉडी इज़ गॉट दैट काइंड ऑफ अ पैशन। बट ये जो एक नई दुनिया चालू हुई है, जो हमारे दोस्तों ने स्टार्ट की है, जो डिजिटल वर्ल्ड है विच इज रीशेप्ड द एंटायर वर्ल्ड, अगर इस दुनिया में आप देखेंगे तो ईसीएल की विजन ये थी कि हाउ डू वी ब्लेंड द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट विद दीज इन्फ्लुएंसेस एंड द पैशन ऑफ क्रिकेट। एंड इनफैक्ट आई वुड से दैट व्हेन योर पैशन कैन बिकम योर करियर, नथिंग बिगर देन बेस्ट देन दैट। अगर आप देखेंगे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में, माय ब्रदर उसे थिंक इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, यू कैन सी पीपल जिनकी पैशन था क्रिकेटर्स बनने का, बट डेस्टिनी थी उनको कुछ और बना दिया, सिंगर्स बन गए, एक्टर्स बन गए, दे बिकम सेलिब्रिटीज। एट द सेम टाइम यू कैन सी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, टू नेम पीपल लाइक शिखर धवन, ब्रेट ली, जो म्यूजिशियंस बनना चाहते थे और क्रिकेटर्स बन गए, सो वो डेस्टिनी थी। बट गॉड इज काइंड ऑफ दीज ब्रदर्स कि इनका जो पैशन था वो उनका करियर बन गया, एंड अल्टीमेटली क्रिकेट तो फिर एक ऐसी चीज है कि जो हिंदुस्तान के हर किसी के दिल में है। तो आई थिंक द ब्लेंड ऑफ दिस इज द विजन, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। दिस इज अ विजन एंड लेट्स होप दैट यू नो इट बिकम्स बिग। एलविश, मेरा सवाल आपसे ये है, जितने भी कैप्टनसी आप बैठे हैं, कुछ नहीं मनोबल नहीं है, हर्ष नहीं है, क्या किसी ने आपको पर्सनली आके बोला है कि बेटा तुम ग्राउंड में मिले तो वहां बताते हैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं सबसे ज्यादा पर्सनली किसी ने बोला कि नहीं यार तेरे से जरूर मैच खेलना है, तेरे को आना है, किसी ने बोला? नहीं नहीं, वो तो होंगे सबके मैच, मतलब बोल के तो क्या ही करना कि देर से मैच होगा भाई, मैच सबके होंगे, लीग मैच है ना, तो ऐसा तो किसी ने मेरे को कुछ नहीं बोला। भाई सुरेश भाई आपने भी बोला जैसे कि ग्राउंड पे मिले, ओके भाई। हेलो अनंत, मेरा नाम उत्तम सिंह है और मैं राष्ट्रीय जनरल न्यूज से हूँ। मेरा सवाल आपसे है कि दिल्ली में मैच हो रहे हैं, तो हमारी दिल्ली की टीम है, तो होम एडवांटेज का आप कैसे देख रहे हैं कि फैंस का कितना अच्छा सपोर्ट मिले? सर बिल्कुल, होम एडवांटेजेस सबके खाते बहुत अच्छे से करेंगे, पिच में भी होपफुली उसके बाद भी हमें इनको होस्ट करने का मौका मिलेगा एंड मजा आएगा आपको, बहुत खाते सबकी बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। एक सवाल और है, उसमें कुछ चेयर गर्ल का भी उसमें मतलब अरेंज किया। किसी बड़े टूर्नामेंट में देखने को मिलते हैं, जवाब सुन के आपके चेहरे का जो लाली बने है ना, मतलब वैसे शादी शुदा है। वंडरफुल लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। जस्ट टू क्विकली इंट्रोड्यूस, वी हैव विद अस मिस्टर मनीष केशवाला फ्रॉम बैंगलोर बैशर्स। बैक टू द मीडिया, बारिश का मौसम है, ऐसे लगता है कि लोग कम आ सकते हैं या फिर देखा जा सकते हैं?
मैच तो देखो हुआ, आएंगे भी लोग, इंडो है ना तो मजा आएगा, लोग आ जाएंगे। मेरा सवाल ऑर्गेनाइजर से है, कौन सी सेलिब्रिटीज और कौन सी टीम इनॉग्रल सीजन में खेलने वाली है और उनका चुनाव आप किस तरीके से करेंगे? आपका सवाल क्लियर नहीं है, कौन सी सेलिब्रिटीज या टीम, सेलिब्रिटीज और टीम, कौन सी टीम खेलने वाली है उसका चयन आप कैसे करेंगे? फर्स्ट टू मैचेस में, फर्स्ट टू मैचेस जो आप कह रहे हैं, जो कल इनॉग्रल सीजन कह रहे हैं कि इनॉग्रल डे कह रहे हैं? इनॉग्रल डे, इनॉग्रल डे में दो टीमें हैं कि मेरे भाई बताएंगे। पहला मैच है इनका एलविश और अभिषेक का मैच हरियाणा एंड बैंगलोर, और दूसरा मैच है हमारा मुंबई और लखनऊ। अनुराग भाई एक्चुअली ना कल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई रात को, तो थोड़ा सा फिजियो चल रहा था, शोल्डर में स्ट्रेन आ गया, बाकी मिस तो कल आप बिल्कुल नहीं करोगे, कल बहुत बैठने दिखने नहीं। भाई हाँ, क्या तैयारी चल रही है आपकी अबाउट दिस मैच एंड बीइंग एल्विश प्रेजेंट हियर? उन्होंने भी बोला कि अभिषेक मल्हान की टीम को मतलब कॉम्पिटिशन मानते हैं, आपका क्या कहना है? तो देखो हम तो खुद को करंटली कॉम्पिटिशन मान रहे हैं, क्योंकि ये टीम इतनी स्ट्रांग है, तो हम सोच रहे हैं हर मैच में 150-200 कैसे क्रॉस करें, तो फिलहाल तो वही गोल है। हाँ तो अंपायर हमारे सारे ऑफिशियल्स हैं जो BCCI के भी मैचेस कवर कर चुके हैं, आज मैं सुबह अंपायर से भी मिला, सो एक प्लेयर है तनुष कोटियान, उनके फादर बहुत बड़े अंपायर हैं, ही इज ऑल्सो वन ऑफ आर अंपायर। आकाश चोपड़ा जी हमारा पूरा जो क्रिकेट वाला डिपार्टमेंट है वो उनके अंडर आता है, सो बेफिक्र हो के सबको यहाँ पे पता है, अगर वो इस चीज़ को रीड कर रहे हैं तो चीज़ें सारी बेहतर और बेहतरीन होने वाली हैं, हमारे सारे के सारे क्रिकेट वाले रूल सब बेसिस सॉल्व हैं। थर्ड अंपायर ही है अनुराग, आपसे क्वेश्चन है, ये जैसे आप फैंटेसी एक्सपर्ट हो, आपके अपनी टीम में भी आप फैंटेसी एक्सपर्ट्स के टिप्स वगैरह करते रहोगे क्या अपनी टीम के लिए? ये अपने मैचेस में कवर नहीं कर सकता क्योंकि इन लोगों ने मना कर रखा है, और वो सही भी है, और क्या एसयू के लोग हैं जो मेंबर्स हैं वो साथ में रहेंगे हमारे, थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा, बट हाँ फोकस में, और मुझे एक्चुअली मैं टीम का कैप्टन हूँ तो मुझे बाकी टीम्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना भी है, तो अगर मैं फैंटेसी में कवर करूँगा तो ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाऊंगा, बस फर्क इतना रहेगा कि फैंटेसी में मुझे पॉइंट्स के लिए देखना है कौन ज़्यादा देगा, यहाँ पर देखना है कि मुझे कौन कितना जो चोट दे सकता है उसको कैसे आउट करना है। आपसे क्वेश्चन है कि आपका एग्रेशन जो है वो काफी नोटिसेबल रहता है हर चीज में, जैसे कि काफी देखते हैं कि क्रिकेट में तो एग्रेसिव कैप्टन सभी से सक्सेसफुल होते हैं, तो क्या आपकी टीम के साथ एग्रेसिव रहोगे या आपके इंपॉर्टेंट वे में रहोगे? भाई सारे अपने भाई हैं, देखो साथ में खेलने वाले तो उसमें हैं, तो ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता कि मैं कैप्टन जैसा बन के दिखाऊं कि मैं कैप्टन हूं तुम ऐसे रहो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो सिस्टम नहीं है भाई, तो सारे भाईचारे में चलेगा ये, बिल्कुल मॉडरेट। अरे माइक बंद हो गया। अभिलेश बिल्कुल, मैं जितेंद्र शर्मा दैनिक भास्कर से, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि टीम के अंदर जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको तो सभी लोग जानते हैं, अपनी टीम के अंदर बताइए कि वो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे आप खींचते हो, चल भाई जल्दी आ जा, लेट क्यों हो रहा है, कितना कूल कौन सा खिलाड़ी है? आप बुला सकते हो, स्टेज पर बुला सकते हो, वो शायद मैं ही हूँ, वो मैं खुद हूँ जिसको ये बुलाते हैं कि आओ आ क्यों नहीं रहे भाई, क्योंकि मैं कभी शूट पे होता हूँ ज़्यादातर ये सारे बड़े जी जान से प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत दिनों से,
मैंने 4 दिन प्रैक्टिस करी है, 20 दिन प्रैक्टिस करी है, तो वो प्लेयर मैं मानता हूँ अपने आप को जो ये लोग खींचने की आ जाओ भाई आ जाओ। बोलो बोलो भाई। और से मेरा सवाल है कि उनको लफड़ा बहुत कवर करना पसंद है, उनको ये लफड़ा इतने जो वो कवर करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी आप लफड़ा करवाओगे अपना कंटेंट करवाने के लिए? किससे चाहिए आपको लफड़ा? मुझे नहीं चाहिए, आपको आपको कवर करते हैं तो आप ना लफड़ा होता है ऐसा कोई देख मुझे सब लोग परफॉर्म करने पर भूखे थे, बहुत ज्यादा सीरियस एबिलिटी, एंड अगर हो गया लफड़ा तो देखेंगे फिर तो सारे वही है, आई थिंक पूरे सारे टीम वाले वही है अगर लफड़ा होता है तो। बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग या बॉलिंग, अगर टॉस होती है आपके उसमें आ जाता है तो? मैं अगर टॉस जीता तो मैं लूंगा, क्योंकि मैं बैटिंग का भूखा हूँ और बैटिंग करके निकल जाएंगे। और एक और सवाल करने को ले रहा था, मैं एक और सवाल है मान लीजिए कि आपने बैटिंग ले ली और ओपनिंग में कौन प्लेयर आएंगे आप टीम क्या स्ट्रेटेजी? ओपनिंग में मैं आऊंगा और साथ पूरी टीम बता देता हूं मैं आऊंगा ओपनिंग पे, साथ में आएंगे मेरे गुड गुड भाई, 1 डाउन आएंगे आप, 2 डाउन में से कोई भाई आ जाएगा, आप जिसको ले जाओ आपके सितारों में से, तो आपके साथ चलना ठीक। रोहन शर्मा, मैं पूछना चाहूंगा ऑर्गेनाइजर से कि हमें ऑर्गेनाइजर्स पता चल रहे हैं, कैप्टन पता चल रहे हैं, टीम ओनर्स कौन कौन है जिन्होंने भरोसा जताया है और कोचिंग स्टाफ वगैरह जो है वो लाइक व्हाट इज देयर ऑफ देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग है उनकी 15 मिनट। मेरा सवाल नहीं है क्योंकि मैं आपका एक फैन भी रहा हूँ बचपन से, पत्रकार तो हूँ। अबे भाई जितना छोटा है वो उससे छोटा है वो। मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ भाई, 25 आपके ही फैंस जानना चाह रहे हैं भाई देखो तबियत कैसी हुई, खेलना तो पड़ेगा ना, तो हो गई थी मेरा भी बैक पेन है मेरे और क्या ही होता भाई बहुत तो खेलूंगी और कल बर्थडे भी तो है आपका। हाँ तुमने बता दिया मना लूंगा। चलो फोटो कर लेते, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है सभी से है कि कली क्रिकेट का कौन सा ऐसा रूल है जो आप इसमें भी चाहते हो कि अप्लाई हो जाए और आप सब जीतो? इसमें नाली होती तो नाली वाला करता हूँ वो तो बहुत बढ़िया होता है सर, या कोई नहीं देख रहा है तो आके मार के वापस लाके बाकी सब भाई जिसका बैट उसकी बैटिंग और फिर भाग जाओ।
ये तो एलविश पहले बताया था कि वो शायद बैटिंग लेकर के भाग जाएंगे आप भाई मैं तो रखता कि कोई भी है आउट हो जाता है तो जो भी जीतती है टीम है वो बैट लेके भाग जाए मम्मी कैसे मम्मी कैसे आउट नहीं है मम्मी कैसे हाँ वो आउट हो गया नहीं माना तो खाओ मम्मी कैसे वो झूठी कहते हैं यार मार पिटाई हो जाती थोड़ी लोग वन पे सिक्स पे बहुत कंटेंट मिलता बाउंड्री से थोड़ा ज्यादा जाने के बाद आउट आउट भी दे सकते थे जो एक्स्ट्रा होते हैं कि पाउचिंग करते थे उनके को भाई मल्टी परमानेंट कर सकते हैं हैंस में अब बंदो भाई क्योंकि ऐड टाइम करना है जैसे कम टाइम ना दे रहे चलो डन फोटो फोटो से मैं आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर बिंद्रा हु इज होस्टिंग अस आवर हॉस्पिटैलिटी पार्टनर टू से अ फ्यू वर्ड्स आपका एक्सपीरियंस हमारी दुनिया के साथ कैसा रहा गुड इवनिंग एवरीवन पहले तो आई वांट टू से दैट दे नॉट 16 देयर आर 7 बिकॉज़ सूर्य भी एक टीम है विदाउट सूर्य नथिंग कैन हैपन हियर जो सब प्लेयर्स हैं सब कैप्टन हैं सब इनिंग पे रह रहे हैं और हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि खाना खाना है रहना है जिम जाना है सुबह उठके ऑल काइंड ऑफ थिंग्स सो आई थिंक देयर आर 17 हियर एंड ईच टीम दैट इज गोना प्ले द टूर्नामेंट फ्रॉम टुमारो नीड्स टू बी रिलैक्स एंड एब्सोल्यूटली एट ईज टू हैव अ ग्रेट टाइम सो फॉर अस एंड फॉर सूर्य आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज एंड थैंक यू सो मच For organizing this year, it's from the entire Surya team, I want to thank everyone, all the players and the captains and the press for being here this afternoon and have a great event. And we are here at Backbone. And since the first one, we'd like to continue and see the next year and the year after that, we become from strength to strength. Thank you. Really, thank you so much. And we humbly accept your wishes. And next year, I expect that, you know, Surya will be our double hospitality partner. I know what you want to know right now. Questions before a vote of thanks to everybody present here and our sponsors. And finally, the photo op. So, over to you, media. Any questions, please? Last leg. Last question from Ashwin Kumar se hai. You are late and you are not here. थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी और मिसमैनेजमेंट हो गई थी हमारी साइड से और उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ कि आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा एंड मैं ट्राई करूंगा अगली बार से कहीं भी मैच इतना लेट ना हो जितना आ जाए आई एम सॉरी कल के लिए कितनी तैयारी है कितनी रिहर्सल हुई है थोड़ा वो भी आप बता दें कल तो मेरा मैच नहीं है कल तो एनएच का मैच है और उकरा भाई का मैच है और बाकी टीम का दूसरी टीम का मैच है तो हम तो देखेंगे और हम देखेंगे क्या स्ट्रेटेजी है लोगों की और हम परसों के लिए देखेंगे रिहर्सल नहीं करेंगे मतलब आप देखेंगे कल तो करेंगे ऐसा नहीं है नहीं करेंगे इनका तो मैच देखेंगे ऐसा नहीं मैच नहीं करेंगे और प्रैक्टिकली चल भी रहेगी तो वो चल भी रही है ऑलरेडी चलो थैंक्स Anybody else from the media? Any other questions? Harsh, मैंने अभी क्वेश्चन सबसे पूछा था ये वाला फिर मैंने सबसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि गली क्रिकेट का कौन सा एक ऐसा रूल है जो आप चाहते हैं कि इसमें भी अप्लाई तो सबने जवाब दे दिया आपका क्या रिएक्शन है यार इसमें वैसे मैं बोलूंगा तो होगा नहीं अप्लाई अगर घंटी आउट हो जाए तो बंदी बोला था ऑफलाइन ज्यादा फन है क्योंकि ऑफलाइन में ना सबसे मिलते हैं बातें होती है ऑनलाइन में तो क्या होता है कि काम किया आगे दूसरे काम में लोग बिजी हो जाते कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो ऑफलाइन में क्या है कि बहुत मस्ती और बातें होती रहती है और अब तो इतने हैं कि 8-9 दिन सब साथ हैं ये जगह रुक रहे हैं तो वो ज्यादा फन है और वो बहुत कम होता है क्योंकि सब ना क्या अपने अपने काम में बिजी रहते हैं अब सब स्पेशली टाइम निकाल के आए हैं सब बैठेंगे मिलेंगे जुलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा थैंक यू सर
डन थैंक यू। हर्ष मेरा एक सवाल, पूरब झा को कैरेक्टर अलग अलग करना बहुत पसंद है, तो अपने कैरेक्टर में खेलेंगे या कुछ और उनके? पूरब यार, पूरब का आएगा तो अपने कैरेक्टर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे खेलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो जो कैरेक्टर करता है वो यूट्यूब पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आएगा तो आएगा तो अपने कैरेक्टर में ही आएगा जिसमें आएगा, या किसी के लिए अगर उसको बनना तो वो जरूर आ सकता है। With that, we close the round of questioning. Thank you so much. बहुत ही exciting, interesting, fun round था ये. Just a vote of thanks to everyone present here for taking out time to engage the media with their questions. And a special thanks to all our sponsors. Our title sponsor, Vision 11, broadcast partner, Sony Sports Network. Please face this camera, please face this camera.